ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में आखिर, ये मतलब क्या हो रहा है, ये हुआ क्या है ये बांग्लादेश में भाई? पहला मैच भी हार गए इंडिया वाले और दूसरा मैच भी हार गए। मैं इतना बड़ा सपोर्टर इंडिया का, यहाँ पूरा दिन निकाल के अपना टाइम निकाल के मैच देख रहा हूँ और रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है। मतलब हम कम हमारी समझ में आती है कि हमारे खिलाफ तो बड़ी टीम थी लेकिन यहाँ तो बांग्लादेश है भाई, ये क्या हो गया है आज? मैं तो पागल हो गया बिल्कुल। एक मेहदी हसन थे हमारे पाकिस्तान में बैठ के तबला बजाते थे और एक मेहदी हसन बांग्लादेश में जो बांग्लादेश में बैठ कर इंडिया का तबला बजा रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये क्या हो रहा है इंडिया के साथ भाई? ये कहाँ चले गए इतनी बड़ी बड़ी बातें? वो जो सीरीज स्टार्ट होने से पहले इनके एंकर कह रहे थे, टीवी पे लोग बैठे कह रहे थे कि भाई इस सीरीज का जो है कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, हम तो देखेंगे नहीं। तो अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे टीम इंडिया हार रही है? कोहली तुम्हारा चन्नी रहा है, केएल राहुल को तुम नीचे भेज रहे हो, रोहित जो है तुम्हारा नीचे आ गया, पांडू तुम्हारा खेल नहीं रहा है, तो कौन खेलेगा इसको मैच को भाई? वो मेहदी हसन खेलेगा तुम्हारी तरफ से आकर या कोई शहनशाह आकर खेलेगा? ये तुम अपना मैच तो सही तरीके से खेलो, क्या कर रहे हो ये? तुम सीरीज ही हार गए, ओडीआई सीरीज हार गए, चैंपियनशिप में तुम्हें आगे निकलना था। मतलब अगर क्वालिफाई कर लिया है वनडे क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो मतलब सीरीज ही हारते रहोगे। टीम इंडिया का यही हो रहा है, ना कोई विकेट कीपर उनका सही से सिलेक्ट हो पा रहा है, ना बैट्समैन में वो लोग सही कर पा रहे हैं भाई। किस तरीके की ये सिलेक्शन इनके लिए टीम की? मेरा तो भाई आज देखकर जो है दिल काफी अशुद्ध हो गया, ये टीम की हालत देखकर और ये मैचेस देखकर। एक तरफ हमने देखा टीम इंडिया ये थी लेकिन आज जो है बिल्कुल ये हो गई है। तो भाई पहले जब वो देते थे अब वो ले रहे हैं, अब ये किस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है? अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 56 रन बनाए और रोहित शर्मा जो है उन्होंने 51 रन बनाए। जब दो बॉलों पर 12 रन नहीं गए थे तो रोहित शर्मा ने एक छक्का लगा दिया, उसके बाद मुझे लगा कि भाई एक और छक्का लगा देंगे और ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन मेहदी हसन ने जिस तरीके का आज तबला बजाया है, मैं कहता हूँ वेल डन, क्लैपिंग करनी चाहिए भाई मेहदी हसन के लिए। क्या खेले हैं, लाजवाब खेले हैं भाई, बहुत ही उमदा किस्म की कारकर्दगी उनकी रही है आज। और महमूदुल्ला ने भी भाई बहुत अच्छा खेला है आज, काफ़ी स्कोर किया है उन्होंने भी, 77 रन बनाए अपनी टीम के लिए। अच्छा अगर पिच की बात करें तो सबसे पिच की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब पहला मैच हुआ उसके अंदर जो है बांग्लादेश ने बॉलिंग करी पहले तब भी वो जीत गए, जब दूसरा मैच हुआ तब उन्होंने पहले बैटिंग करी तब भी वो जीत गए। तो इसमें पिच का कोई कसूर नहीं है, इसके अंदर आपके तमाम खिलाड़ियों का कसूर है। या तो आपकी सिलेक्शन सही नहीं है या तो आपके प्लेयर्स के साथ कोई मसला है, कोई जहनी दबाव है, इस वजह से जो है आपकी जो है टीम परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। मतलब आज इनकी परफॉर्मेंस देखकर मैं काफ़ी अफसुर्द हो गया और जिस तरह मैं स्टार्टिंग करता हूँ मैं उस तरह से आज कर भी नहीं पाया। तो भाई इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टीम इंडिया। आप इधर उधर की बातें छोड़ो, एशिया कप बेशक आप गया भाड़ में बाद में खेलना, अभी अपना सीरीज तो जीत लो, एशिया कप कहाँ से खेलोगे भाई? वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी बांग्लादेश से हारोगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे जीतोगे हैं? ये तुम्हारी हालत, ये तुम्हारी टीम इंडिया, बहुत बड़ी इंडिया, तुम बेटा खाली अपनी एक मूवी बनाओ उसके अंदर चैन खुली की मैन खुली बोलकर जीत जाओ, तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं है कोई खेलने का। अभी कोई इंडिया का ग्राउंड होता तो तुम जीत जाते भाई, सारी सीरीज तुम जीत रहे होते हो। मतलब कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है भाई, मुझे मारो आ जाओ, मारो मुझे, मतलब ये परफॉर्मेंस होती है यार भाई। अल्लाह क्या हो गया यार ये आज, मतलब ये एक अच्छी खबर भी है एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर जो है पाकिस्तानी फैंस के लिए है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहे होते हैं भाई हमेशा की तरह, आज भी करते हुए नजर आया हमें। लेकिन बुरी खबर जो है इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है दुनिया में इंडियन फैंस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लाइक की जाती है क्रिकेट। तो वीडियो बनाने का और कहने का मकसद ये था कि भाई ये मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, ओडीआई सीरीज हाथ से चली गई है, कहता हूँ कि भाई अपने उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए गेम पर। फ़िलहाल तो इजाज़त दें मुझे मोहतसिन शाह को, इंशाल्लाह दोबारा तो हाजिर होंगे, मतलब कैसे हाजिर होंगे, क्या चल रहा है ये मैच में।